दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहाँ के बारे में अगर हम आपको बताएं तो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। ये नेशनल पार्क के एरिया में आता है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाइगर्स यानी कि चीते और बहुत सारे वन्य जीव आपको इस जंगल के अंदर मिलेंगे। चारों तरफ बहुत घने जंगल हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त घने जंगल हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, पहले यहाँ कोई भी टिकट नहीं लगता था, लेकिन अभी यहाँ से टिकट प्रारंभ हो गया। पर पर्सन 58 रुपये का टिकट है। यहाँ से आप टिकट लेंगे तो आपको अंदर एंट्री मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, 58 रुपये का एक टिकट आपको मिलेगा पर पर्सन। तो बोरीवली मुंबई से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई अहमदाबाद रोड पर स्थित है और ये ईस्ट की तरफ है और हाईवे से करीब 4 किलोमीटर अंदर आपको आना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन दृश्य आपको दिखेगा। चारों तरफ जंगल है और वन्य जीव के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। आपको संभल कर और किसी को बिना तंग किए आप अंदर जा सकते हैं। अगर किसी जानवर या पशु को तंग करते हैं तो दंडनीय कार्रवाई। नमस्कार, प्रणाम, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल UKD घुमांडो पर। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के वसई पालघर डिस्ट्रिक्ट में और यहां पर है बहुत ही भव्य और आदिकाल पुराना, बहुत ही पुराना मंदिर जिसको बोलते हैं तुंगारेश्वर मंदिर। तो वहां का आपको नज़ारा हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये इस मंदिर का भव्य गेट है और यहाँ भगवान शिव, आप देख सकते हैं। तो कुछ चारों तरफ पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ ये तुंगारेश्वर मंदिर है। दोस्तों, ये मेन के लिए प्रज्वलित करने के लिए बनाया जाता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर इस तरीके से दीप प्रज्वलित करने के लिए दीपखंड बनाए जाते हैं, कुछ ऐसा है। इस तरफ आप बजरंग बली के मंदिर है, बजरंग बली भगवान का, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ। श्री शांताराम गोविंद हिंगा श्री तुंगारेश्वर महादेव मंदिर शातिवली देवस्थान से ज्येष्ठ पुजारी थे, जिनका 20/10/1953 को जन्म दिनांक है और 18/9/2020 को इनका स्वर्गवास हुआ। जैसा है वहाँ से करीब ये 4 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है। चारों तरफ पहाड़ों की तालहटी है, उसके बीच में ये इस तरीके से मौजूद है और ये संजय गांधी नेशनल पार्क के भी अंदर आता है, तो इसलिए वन्य जीव यहाँ पर भरपूर मात्रा में मिलेंगे आपको, कुछ इस तरीके का है। और इसके बारे में एक जिक्र किया गया है कि ये नदी जो आप देख सकते हैं इस तरफ ये आप देख सकते हैं दीवार बनी है, तो आपको मैं दिखाने को पूरा बहाव आता है पानी का। अभी फ़िलहाल पानी की बूंद तक नहीं है। तो जुलाई के महीने में आप इस तरफ आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। श्रावण मास के महीने की मछलियाँ तैर रही छोटी छोटी, कुछ ऐसा माहौल है। श्रावण महीने में ये पूरी तरीके से भरा रहता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको परस वहाँ पर भी ले के चलेंगे आपको। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। श्रावण मास में यहाँ पर जगह बिल्कुल बस्ती नहीं है क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा रहती है। फिलहाल अभी हम जिस समय आए हैं तो ये महीना मार्च का है, तो जो जीतू जी हैं उन्होंने इस मंदिर को संरक्षित करने में काफ़ी योगदान किया है। तो अभी पहले से तो बहुत ज़्यादा भव्य हो चुका है। जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं तो अभी यहाँ पे आने के लिए यहाँ रोड नहीं था, अब इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है रोड की कि सड़क तो नहीं बना सकते क्योंकि ये फॉरेस्ट विभाग के अंडर में आता है,
तो इसलिए यहाँ पर कच्चे रास्ते हैं। लेकिन आज के 4 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये पूरा पथरीला था और बड़े बड़े पत्थर थे, तो बाइक भी चलाना मुश्किल था। लेकिन अब आप कार या 4 व्हीलर लेके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये मंदिर का प्रांगण है इस तरफ, और ये मंदिर का मेन है जो आप देख सकते हैं, मेन गुंबद है। इसी के गर्भगृह में विराजमान है शिवलिंग, और जो कि तुंगारेश्वर बहुत ही माना जाना, यानी कि आदिकाल से इस मंदिर का उत्पन्न हुआ है आदिकाल में, तो कुछ इस तरीके से है। हम आपको लिए चलते हैं अभी, जो मैंने बताया आपको कि जब ये सामने से बहती हुई है, ऊपर से पहाड़ी से गिरती है और इस तरफ से सीधा होते हुए आपको बहुत ही ज़बरदस्त बहाव होता है जुलाई के महीने। थोड़े थोड़े पानियाँ रिस के आ रहे हैं, ये सेना है, आप देख सकते हैं कुछ कुरकुरा रहे हैं। क्या खा रहे हैं भैया? ओ बजरंगबली, कुछ तो खा रहे हैं, इनको तंग करना अच्छा नहीं है। बहुत ही नज़दीक से हम आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए छोटू सा, नन्हू सा, प्यारू सा, हाँ इनको देखिए, इनकी कलाकारी बहुत अलग ही है। मंदिर के साथ काफी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। वहाँ क्या है, गोमुख से 12 महीना पानी आता है, पहाड़ी से गिरते रहता, कभी बंद नहीं होते। अच्छा, बारिश से गिरते कहाँ पे है? वो पुतला है ना, हाँ उसके नीचे ही है। हाँ। अच्छा, वो परशुराम कुंड, परशुराम कुंड ऊपर है, ऊपर है लंबा। अच्छा, वो परशुराम कुंड के जरिए नदी ऐसे ही है, सावन महीने में। हाँ, ये पंडित जी खोडियार माता जो राजस्थान से जुड़ी है क्या? कौन ये? ओ, गुजराती, गुजराती है। कुंडे, ओके। इस तरफ मैंने गलत आपको बताया, इस तरफ परशुराम कुंड नहीं है, परशुराम कुंड नदी के ऊपर साइड में है, जो बहुत दूर जाना पड़ेगा करीब, तो पॉसिबल तो नहीं है, देखते हैं। इस तरफ जो है वो गोमुख है, 24 घंटा यानी कि लगातार पानी उसमें से निकलता रहता है, तो वहाँ हम आपको लेके चलते हैं। बंदरों के झुंड यहाँ पर बहुत है और बहुत ही मित्रवत हैं ये, आप देख सकते हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती गले लगा रहे हैं, फिर भी ज़्यादा इनको तंग नहीं करेंगे। चढ़ाई है तो हम आपको ऊपर की तरफ लिए चलते हैं, पहाड़ों से पूरा भरा हुआ है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये नेशनल पार्क के अंडर में आता है, अंडर में यानी कि में आता है, ये पूरा नेशनल पार्क एरिया लगता है। इसलिए हमको अभी आते वक्त 58 रुपये, यानी कि हम 2 लोग थे तो हमको 58 58 करके 116 रुपये देना पड़ा था, 116 रुपये देना पड़ा। तो अभी ये नई तरीके से एंट्री चालू हुई जनवरी महीने से, पहले यहाँ नहीं था, पहले आप कैसे भी आ सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कुछ यहाँ का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये गोमुख का जो पानी है ना, मतलब जो जल निकलता रहता है, वो यहाँ से होके जो नदी की तरफ उसका मुहाना गया है ना, वहाँ पे पानी निकल रहा है, यानी कि जो मेन मुख है उसको अभी बंद किए हुए हैं। आठ के जुगाड़ के जरिए डायरेक्ट गोमुख के पाइप के जरिए जो है जल को बाहर निकाल रहे हैं, और अगर आपको देख सकते हैं तो गोमुख बना हुआ है, आकार बनाया गया, उसके मुख से जो है लगातार पानी आ रहा है, शायद आपको अगर दिख जाए तो देख पा रहे हो, अगर गोमुख से लगातार पानी जा रहा है। अभी फिलहाल उन्होंने ताला लगाया है, तो जो दिख सकता है मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको दिखाया वो
न जो मंदिर का परिसर है उसको छूती हुई यानी कि टच करती हुई निकलती है। वो अभी सूखी है पूर्णतः पूर्ण रूप से, लेकिन जुलाई के महीने में जब श्रावण चालू होता है तो यकीन मानिए मैं यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ और ये पूरा परिसर श्रद्धालुओं से भरा रहता है। जो चरण है यहाँ पे, परशुराम की धरती कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों तक महाराष्ट्र के इस दिशा में उन्होंने तपस्या की थी। ये तो एकदम छोटा है ना, उसको शिकारी है वो। ये लगता है अभी 10 ही दिन 5 दिन हुए है ना, 10-5 दिन का बच्चा है। ये सबका बाप है, ले लो अपने बच्चे को। वो देखो पानी, उसको पानी प्यास लगा है ये। बिल्कुल कोई दृश्य नहीं था, यहाँ पे थे दुकानें लेकिन इस तरीके से नहीं था। वो उधर से आप एंट्री मारेंगे, ये पार्क नया बनाया गया, ये पहले नहीं था आज के 3-4 साल पहले, क्योंकि मैं एक बार आ चुका हूँ और बिल्कुल नहीं था। अभी हम थोड़ा मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सोच रहे हैं थोड़ा नाश्ता चाय पानी कर लें। दोस्त